अमीश जी शादी के तीन प्रकार हैं या प्रेम के, हाँ ना या फिर शादी कर लेना। अब उसमें अलग अलग एग्जांपल्स में आ जाते हैं। हाँ कर दिया था श्रद्धा ने, ठीक है, श्रद्धा ने हाँ करने के बावजूद उसको जब उसने प्रेशर किया तो इन्होंने उसके काट काट के 35 टुकड़े किए। ना किया था फरीदाबाद वाली निकिता ने, आपको याद होगा पॉइंट ब्लैंक पे फरीदाबाद में एक हिंदू बच्ची ने शादी के लिए मुसलमान से मना कर दिया तो सड़क पे खड़े होकर माथे पर उसने गन लगाकर उसको गोली मार दी। तीसरा था हाँ कर दी लड़की ने, शादी हो गई। एक बच्ची थी मुंबई की रूपाली, उसने इकबाल से शादी कर ली थी और ये अभी का रिपोर्टेड केस है। जब उसने शादी कर ली तो उसने कहा कि बुर्का पहनो, बुर्का पहनने के लिए उसने मना कर दिया, गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कौन सी कंडीशन में हम मान लें कि जो आपके अब्दुल हैं वो आपका गला नहीं काटेंगे। एक और चीज पर आता हूं, आपको भी पिछले दिनों याद होगा हैदराबाद में नागराजू ने एक मुस्लिम महिला से शादी की। नागराजू एक दलित थे, नागराजू को अपनी क्या 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 कह रहे हो आप, एक सेकंड कुछ बोल रहे, क्या बोल रहे आ गई इस देश में, क्या बोल रहे आ गई श्री राम की पवित्र धरती पर लिव इन रिलेशन कैसे आई, मुझे इसका जवाब चाहिए। ये देश में किसने लाया, फिरंगियों ने लाया, सुनो ऐसा है, सुनिए आपके कैसे आपके धर्म के बारे में कमेंट करने की वजह से एक महिला पर ऑलरेडी 5 लाख से ज्यादा थ्रेट्स है, उसका गला काटने की धमकी दी जा रही है। मुझे आपके धर्म पे टिप्पणी नहीं करनी है, तो बेहतर है कृपया करके आप भी मेरे धर्म के बारे में जबान ना खोले, उसको बंद रखें। मैं आपका गला नहीं काट रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है आप कुछ भी बोला जाएंगे और मैं सुनूंगा। सो कृपया करके मेरे धर्म पर ना बोले, मैं कुछ बात रख रहा हूं उसको सुन ले, पसंद आती है तो सुन लो वरना कान से ईयरपीस निकाल के एक तरफ रख दो। क्या बकवास, मैं बोलना बंद कर दूंगा फिर डिबेट में आ जाना, लेकिन धर्म पे मत बोलो, मोहब्बत चाहिए धर्म पे मत बोलो, मेरे धर्म पे मत बोलो, मेरे मुझे नहीं सुनना प्रेम का, सुनिए मुझे श्री राम पर आप जैसे और आप जैसे कितने छुटभैयों से ज्ञान नहीं चाहिए। आप अपने धर्म को ढंग से जानते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, मुझे बता रहे हैं श्रीराम के बारे में और लिविन के बारे में भी आपसे नहीं सुनना है मुझे। लिविन का मतलब ये नहीं होता कि काट के 35 टुकड़े कर दोगे फ्रिज में रख दोगे, लिविन का ये मतलब नहीं होता उसी फ्रिज में से फिर जो है आइसक्रीम खा लोगे, लिविन का ये मतलब नहीं होता कि लड़की के 35 टुकड़े फ्रिज में पड़े हो और फिर उसी के बराबर में डेटिंग ऐप निकाल के दूसरी लड़की को ले आओगे, लिविन का ये मतलब होता है। इसको प्रेम कहते हैं आप, ये आपकी भाषा में प्रेम होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप जैसे लोगों ने एक एक करके एक बात बताइए, मुंबई वाली रूपाली का दोष क्या था, उसने तो बोला था कि मैं बुर्का नहीं डालूंगी, गला क्यों काट दिया गया उसका, हुई थी कि नहीं हुई थी घटना, और सही बात बोली फरीदाबाद में निकिता की घटना हुई थी कि नहीं हुई थी, फरीदाबाद में निकिता को पॉइंट ब्लैंक पर उसके माथे पे बंदूक रख के बंदूक चला दी गई थी क्योंकि उसने ना कर दिया था, बताइए क्या था ये? अगर किसी की पागल इसमें कौन सी पंक्ति आपको अभी याद आती है, मोहब्बत का संबंध खराब होता है तो इसको धर्म नहीं, एक सेकंड चुप रहिए, चुप रहिए, मुसलमान में प्रेम चाहिए, हिंदू मुसलमान में रिश्ता बनना चाहिए, प्रेम का रिश्ता बनना चाहिए, पागलपंथी रिजवान अहमद को लिखा है, ये धन शुभ राष्ट्र काफी देर से हाथ खड़ा कर रही है।